हेलो गाइस, सत श्री अकाल एंड कैसे हो सब कोई। सो गाइस, लास्ट वीडियो में जो मैंने कमेंट मैंने पिक किया, मैं इस कमेंट के बेसिस में आपके साथ लेके आया हूँ टेंसो अराशी 2.0। टेंसो अराशी 1.0 के काफी यूट्यूबर्स ने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट 2.0 आपके साथ लेके आया जाए। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ 1, 2, 3 टेंसो के मॉडल 2.0। पहली बार मैंने ऐसा कोई कंपनी देखा है जिसने सेम प्राइस पॉइंट में तीनों अलग मॉडल्स आपको दे दिए। सो गाइस, ये तीनों रैकेट की सबसे खास बात क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट इसका सारा स्पेसिफिकेशन सेम है। तीनों में से सबसे बेस्ट रैकेट कौन सा है आपके लिए, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो बैक की बात करते हैं, तो मेरे को इसका बैक की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। 5 से 6 mm की इसकी कुशनिंग की हुई है इसके अंदर में, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज किया गया है एंड प्रॉपर थिक है इसमें। एंड दिस इज अ वाटर प्रूफ बैग, सो आपका क्या रैकेट भी काफी सेफ रहेगा, पानी वगैरह से ही बचेगा फिर इसमें। तो आगे आप देख सकते हो टेंसो का लोगो लगा हुआ है एंड गाइज, इस कवर के पीछे लिखा हुआ है बाउंस बैक ऑलवेज। दिस इज अ मेड इन इंडिया रैकेट। इसके मटेरियल की बात करें तो इसमें हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट यूज किया गया है। सो गाइस, हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप है इस रैकेट का। सबसे पहले तो फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कूल सा टेंसो डिजाइन देखने को मिल जाएगा, इंजीनियर टेंसो ग्रेफाइट भी लिखा हुआ है। सो गाइस, दिस इज अ सिंगल पीस टी जॉइंट रैकेट, यहाँ पे आप टेंसो का लोगो भी देख सकते हो साथ में। सो गाइस, दिस रैकेट कम्स विद 3 colors, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू। सो गाइस, तीनों रैकेट की वेट की बात करें तो 77 grams, लेंथ ऑफ द रैकेट की बात करें तो 675 mm है। सो गाइस, ग्रिप साइज की बात करें तो G4 ग्रिप साइज है, विच इज 86 mm। गाइस, इसकी फ्रेम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो अराशी 2.0 लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन भी लिखे हुए हैं, वेट, बैलेंस एंड टेंशन तीनों लिखा हुआ है। ग्रिप साइज के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है एंड नीचे यहाँ पे आपको टेंसो का लोगो भी देख रहा है, बहुत ही स्वीट सा। तो सबसे पहले ग्रीन वाला रैकेट की बात करें, इसका बैलेंस पॉइंट है 295 mm, सो विच इज इवनली बैलेंस्ड एंड परफेक्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इसमें। सो गाइस, ऑरेंज वाले मॉडल की बात करें तो इसका 305 mm है बैलेंस पॉइंट, सो दिस इज अ स्लाइटली हेड हैवी रैकेट एंड इसका जो मैक्सिमम वेट है इट्स शिफ्टेड ऑन द हेड। एंड गाइस, ब्लू वाले रैकेट की बात करें तो इसका बैलेंस पॉइंट है 315 mm, दिस इज मोर हेड हैवी रैकेट अपार्ट फ्रॉम ऑल। तो गाइस, स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो कंपनी ने कमिट किया है 32 lbs तक लगा सकते हैं। एक्चुअली टेंसो अराशी 1.0 में जो लिमिट था वो था 30 lbs तक का। अगर आप ये रैकेट बाय करते हो तो इसमें 0.65 mm की प्रोफेशनल गटिंग ऑलरेडी आपको मिलेगी जो कि 24 lbs तक की है। मैं आपको इसका साउंड भी सुना देता हूं एक बार। तो जनरली क्या है गाइस, जितने भी मैं रैकेट्स रिव्यू करता हूँ ना, उसके 20 lbs के ऊपर मेरे को फैक्ट्री फिटेड गट नहीं लगती है, बट इसकी जो गटिंग है दिस इज डेफिनेटली 24 lbs तक तो है ये वाली। गाइस, इसका जो रैकेट का डिजाइन है ना, सिंपल सा कूल सा डिजाइन है, ज्यादा शोशाबाजी नहीं की है इन्होंने। सो गाइस, शाफ्ट फ्लेक्सीबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्सीबल है शाफ्ट ये वाला। शाफ्ट की डायमीटर की बात करें तो 7 mm है। सो गाइस, प्राइस की बात करें तो इसका MRP है 2999, लेकिन अभी Amazon ने बहुत अच्छी सेल लगी हुई है तो आप 1349 में आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां से जाके ले सकते हो। तो चलो गाइस, रैकेट को रिव्यू करते हैं, खेलते हैं इसके साथ, फिर जो भी बेस्ट है आपको उसके बारे में बताते हैं। कैसा लगा रैकेट? बिगनर प्लेयर्स के लिए ठीक है,
मूवमेंट इसका अच्छा है। ऑरेंज वाले पे ऑरेंज इसका बता भाई, ये परफेक्ट इंटरमीडिएट गेम के लिए, इसके पावर अच्छा है। हिंदी से ब्लू वाला, ब्लू वाले तो कमाल करेगा सर। हाँ इसका स्मैश तो क्या बात है, टॉसिंग में तो कोर्ट से बाहर पहुंचा दें शटल, ऐसा शटल रैकेट है। सो गाइस ग्रीन वे रैकेट की बात करें तो काफ़ी लाइट रैकेट है एंड दिस इज इवनली बैलेंस 295 mm, सो दिस फील्स लाइटर। इससे क्या जितने भी हम लोग टैपिंग कर रहे थे उससे बहुत इजीली बन जा रहा था शॉट्स हमारा, बिकॉज दिस इज द इवनली बैलेंस रैकेट। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी की गई है ग्रीन वे रैकेट में। सो गाइस इसकी जो स्विंग स्पीड थी वो बहुत ही स्मूथ थी। गाइस ड्रॉप्स की बात करें तो इसका प्रिसीजन बहुत ही अच्छा था, ड्रॉप्स बहुत ही आराम से लग रहे थे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब गाइस पावर की बात करें तो इसमें जो भी टॉसिंग और जो स्मैशेस थे ना उसमें हमें डेफिनेटली पावर जनरेट करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा डेफिनेटली इसमें पावर हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा था। गाइस जो ऑरेंज वाला रैकेट है जिसका जो बैलेंस पॉइंट है 305 mm, इसका जो स्विंग स्पीड था वो ग्रीन वाले से थोड़ा कम था बेसिकली, बट इसमें पावर जनरेट करने में मुझे कोई इशू नहीं आई। इवन जो टॉसिंग एंड स्मैशेस वेयर इजिली हम लोग इसको मार पा रहे थे। बेसिकली ग्रीन वाले से ये थोड़ा सा हेड हैवी है लेकिन स्विंग स्पीड ज़्यादा मेरे को इसकी लगी, ग्रीन वाले की लगी। सो गाइस ब्लू वाले रैकेट की बात करें तो इसका जो बैलेंस पॉइंट है 315 mm है, इसका काफ़ी हेड हैवी है नो डाउट। तो स्विंग स्पीड की बात करें तो बहुत दिक्कत आ रही थी स्विंग स्पीड में। पावर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करा था ये रैकेट। देखो जिस प्लेयर का भी टेक्निक अच्छा है ना एंड जिसके पावर भी अच्छा है उसके आर्म्स में, तो बहुत ही ईजिली वो टॉसिंग और स्मैशेस इससे मार सकता है। बिकॉज इसका क्या है जो बैलेंस पॉइंट है पूरा एकदम हेड हैवी रैकेट है, तो पावर तो बहुत ही तगड़ी निकल रही थी ये रैकेट से। सो गाइस कौन से प्लेयर्स को कौन सा रैकेट लेना चाहिए अभी वो बात डिस्कस करते हैं। सो गाइस देखो जो बिगनर्स है ना उनके लिए ग्रीन एंड ऑरेंज एकदम परफेक्ट फिट है। ग्रीन ज़्यादा फिट क्यों है, बिकॉज ये पूरा इवनली बैलेंस्ड है, तो फॉर अ बिगनर मैं ग्रीन को सजेस्ट करूंगा, ये वाला ले सकते हो आप। सो गाइस जिसका पावरफुल गेम प्ले है ना उनको डेफिनेटली ब्लू और ऑरेंज के बीच लेना चाहिए। अभी देखो ये सबसे ज़्यादा हेड हैवी है एंड ऑरेंज थोड़ा सा स्लाइटली लेस हेड हैवी है, तो अब आपको डिसाइड करना है कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, पावर अच्छा है, तो ब्लू वाला ले लो बिंदास। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी टेक्निक में थोड़ा वर्क करना है और थोड़ा कंधे भी दर्द देते ज़्यादा, तो ऑरेंज वाला ले लेना, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट ब्लू वाला है, बिकॉज मेरे को ना ज़्यादा पावर अच्छा लगता है मारना शॉट्स, क्योंकि मैं स्मैशेस, आपको पता ही है मेरे को स्मैशेस मारना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस एक बात तो है, पहली बार मैंने ऐसा कोई कंपनी देखा है जिसने सेम प्राइस पॉइंट में तीनों अलग मॉडल्स आपको दे दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से जो आपका गेम प्ले है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सो 1349 प्राइस है इसका, तीनों में से जो बेस्ट मॉडल लगता है ले लो यार। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज मेरे को तो ये रैकेट, तीनों रैकेट रिव्यू करने में बहुत ही मजा आया। एंड गाइस आप मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सा रैकेट मैं नेक्स्ट रिव्यू करूं, तो वो मैं आपके साथ जरूर लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह भाइयों प्यार बनाए रखो। सो गाइस दिस वॉज करण शर्मा फ्रॉम जोधपुर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज काफी मेहनत लगती है यार इस तरह की वीडियो बनाने में। एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना आपके भाई को। एंड टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड मॉम डैड का ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। 32 LBS ओके 22 LBS।